हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी द फाइव बोन्स ऑफ लाइफ। अब बोन्स क्या होता है? बोन्स यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो या फिर फ़ायदेमंद हो। अब ये जो कहानी है इसके ऑथर के बारे में जान लेते हैं। ऑथर जो है वो है मार्क ट्वेन। अब मार्क ट्वेन जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, वो सिंपल स्टोरीज़ लिखते हैं। और इस कहानी में एक मैन से एक फेरी आकर मिलती है और वो उसे ज़िंदगी का एक लेसन सिखा कर जाती है। ओके, सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट टू कैरेक्टर्स, दैट इज़ अ मैन एंड अ फेरी। सो आदमी को अंत ऑफ द स्टोरी, एट द एंड ऑफ द स्टोरी, ही अंडरस्टैंड्स द लेसन द फेरी वांटेड टू टीच हिम। तो क्या होता है, एक आदमी के पास सबसे पहले तो एक फेरी आती है, वो आकर उसे विशेस देती है कि तुम्हें जो कुछ भी मांगना है तुम मांग लो इन फाइव बोन्स में से। फाइव बोन्स यानी कि ये सारे। ओके, फिफ्थ वन इज डेथ, फेम, लव, वेल्थ, प्लेजर एंड आखिर में डेथ। तो आदमी जो है सबसे पहले प्लेजर को चुनता है, फन को। फिर वो देखता है कि फ़न तो बस कुछ ही देर का है और कुछ देर के बाद मेरा जो फ़न है वो एंड हो गया। फिर उसे लगता है कि उसने गलत चॉइस की। फिर से वो फेरी आ जाती है और इस बार वो लव को चुनता है। फिर वो नोटिस करता है कि जिससे भी वो चाहता है वो इंसान मर जाता है। फिर उसे लगता है कि अगर मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, अगर मुझे शोहरत मिल जाएगी, तब लोग जो मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं वो बंद हो जाएंगे। तो फिर वो चूज़ करता है फेम को, लेकिन होता है उल्टा। लोग उसे एनवी करने लगते हैं, उसे जेलस होने लगते हैं उसकी क्वालिटीज़ से, और उसे डिसरिस्पेक्ट भी मिलती है। तो वो आदमी जो है वो अपनी गलतियों से सीखता नहीं है। फिर लास्ट में उसे लगता है कि हर चीज़ का सलूशन जो है वो बस दौलत है। तो फेरी हर बार जब जब वो आती है तब तब वो निराश हो जाती है कि उसने सही चॉइस नहीं की उस आदमी ने। तो फिर वो जो लास्ट है वो कहती है कि मेरे पास अभी भी एक चॉइस है। तो वो वेल्थ चुनता है। जब वो दौलत को चुनता है तब वो फ्रेल हो जाता है, वीक हो जाता है और हगार्ड हो जाता है। यानी कि वो कहीं दूर अकेले तन्हा बैठा है और उसके पास कुछ भी नहीं है। ओके, सो द फाइव बोन्स ऑफ लाइफ, इट्स अबाउट केयरफुल लाइफ डिसीजंस एंड चूजिंग राइट प्रायोरिटीज़। जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है, जो उसे ही हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और लाइफ का डिसीजंस बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेने चाहिए। और यहाँ पर जो मैन है वो बिल्कुल भी सोच समझ कर फैसला नहीं लेता है। उसे लगता है कि प्लेजर, लव, फेम, वेल्थ, ये चीज़ें उसे खुशियाँ देंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सुकून जो है उसे डेथ से ही मिलेगा, लेकिन फेरी उसे डेथ नहीं दे सकती, जो कि फिफ्थ बोन ऑफ लाइफ है। फोर बोन्स तो ये है, ये सारे है, फिफ्थ फोर बोन्स। ओके, तो फिफ्थ वन इज़ डेथ, लेकिन फेरी उसे वो नहीं दे सकती क्योंकि ऑलरेडी कोई मर चुका है वहाँ पर। अंत में उस आदमी को रियलाइज़ हो ही जाता है कि उसने जो ये चार गिफ्ट्स चूज़ किए हैं वो एक गलती है, और उन गिफ्ट्स को वो कर्ज करता है, उन्हें बदवा देता है, क्योंकि इन गिफ्ट्स के पीछे छुपी हुई हकीकत कुछ और ही है। इन गिफ्ट्स के पीछे छुपा हुआ है दर्द, पेन, शर्मिंदगी, सफरिंग और गरीबी। और ये कोई नहीं कहता, इंसान को लगता है कि इन सारी चीज़ों में जो है वो हैप्पीनेस है, लेकिन हैप्पीनेस और सुकून जो है वो मौत में है। ओके, मौत में है, क्योंकि आदमी को चाहिए कामनेस, मैन को चाहिए कामनेस, जो कि डेथ से ही मिल सकती है। लेकिन फेरी उस आदमी को डेथ नहीं दे सकती क्योंकि ऑलरेडी कोई मर चुका है उसकी लाइफ में। सो जो ग्रेट गिफ्ट्स होते हैं वो मेरी लैंडिंग्स होते हैं, ये रियलाइज़ करता है वो मैन। मेरी लैंडिंग्स यानी कि वो उधार होते हैं इस दुनिया में, जो कि हमें उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो हमें कामनेस के ऊपर फोकस करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि यू हैव टू डाई, इट इज़ अबाउट कि आप लाइफ में करेक्ट डिसीजंस लो। जो फेरी कई बार कोशिश करती है उस मैन को रियलाइज़ करवाने की, लेकिन हर बार वो रियलाइज़ नहीं करता है, तो वो फेरी जो है वो मायूस होकर चली जाती है। फिफ्थ टाइम जब उसे रियलाइज़ होता है, लेकिन वो मौत वो मैन को नहीं दे सकती। तो अब जितनी भी ज़िंदगी उस आदमी की बची हुई है उसे जीना होगा, एंड उसे झेलना होगा जो भी रॉन्ग चॉइसेस उसने लाइफ में की हैं। So that's what the lesson for five boons of life is all about. You have to be careful while making decisions in your life. I hope you like the story. Do hit the bell icon to be notified.